सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होने के साथ साथ ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप? तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल विशेद में। तो आपको आज क्या लग रहा है कि मैं आपको गेम खेलना सिखाऊंगा? कैसे, आप कोई गेम खेल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गेम खेलना तो सभी को आता है। कौन ऐसा बंदा होगा जिसको गेम खेलना नहीं आता है? तो आज मैं वही नहीं सिखाऊंगा। तो मैं आज जो सिखाऊंगा वो है आप विंडो 10 में कैसे गेम डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो फीचर है ये ओनली विंडो 10 में ही है, क्योंकि विंडो 7 ऐसा कोई स्टोर नहीं है जिससे आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो गेम होता है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो विंडो 10 में एक फीचर होता है जो है कि उसका स्टोर है अपना, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर कहते हैं उसको। तो वहाँ से आप कोई भी गेम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो अपनी कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे अपनी जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 है उसमें आप कोई भी स्टोर से कोई भी गेम डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मेरा जो चैनल है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ घंटे को इनेबल कर दीजिएगा, ठीक है? सोचना मत कर दीजिएगा कि सोचना क्यों है, पैसा थोड़ी लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो गेम है ये IGI 2 है, तो ये बहुत ही फेवरेट गेम है मेरा। आपको पसंद आएगा कि नहीं आपके मर्ज़ी, लेकिन मेरा बहुत ही फेवरेट गेम है। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आप, तो वो सब बताऊं तो कमेंट ऑन बिलो, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मैं होम स्क्रीन में आ गया हूँ पीसी का, यानी कि वो डेस्कटॉप में आ गया हूँ। तो चलिए पहले तो इंटरनेट कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए मेरे पास इंटरनेट है वाईफाई का, तो बहुत ही घटिया नाम है मेरा वाईफाई का, जो नाम है वो है इडियट बॉय, कि जो मैं हूँ तो वही नाम है। तो चलिए कनेक्ट कर लेते हैं पहले। तो कनेक्ट हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको स्टोर खोलने के लिए आपको एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का ज़रूरत है। तो चलिए पहले स्टोर खोल लेते हैं। तो उसमें आपको लॉगिन करना होगा। तो अगर आप विंडो 10 है आपके पास तो इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा देखिए स्टोर टाइप कर लिया। तो देखिए यहाँ पे स्टोर आ गया है, तो स्टोर ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्टोर ओपन हो गया है कि मैं पहले ही माइक्रोसॉफ्ट जो अकाउंट रहता है उससे मैं लॉगिन करके रखा हूँ पहले से ही। शायद मैं जब अकाउंट यहाँ पे क्रिएट किया था, मैं मतलब मेरा जो यहाँ पे देखिए टेक्निकल विशेष का जो अकाउंट है, जब मैं क्रिएट किया था लॉगिन किया था तभी यहाँ पे लॉगिन हो गया है। देखिए अभी भी वही लोगो, सेम लोगो आ रहा है यहाँ पे, यानी कि मेरा अकाउंट देखिए यहाँ पे दिखा रहा है। तो मतलब यानी कि मेरा अकाउंट जो है वो लॉगिंग हो गया है। तो आप अगर आप भी अपनी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से एक बार लॉगिन करते हैं तो दोबारा यहाँ पे लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए स्टोर खुल गया है। यहाँ पे देखिए बहुत सारा गेम है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही सारा गेम है। देखिए यहाँ पे कैंडी क्रॉस है, फिर टेम्पल रन है, बहुत सारा गेम है। आप यहाँ पे कोई भी गेम डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अपनी फ़ोन में होता है प्ले स्टोर में जो ऐप्स रहता है, तो वैसे यहाँ पे सभी फंक्शन है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 जो है वो बहुत ही मतलब एक न्यू फीचर जो लॉन्च किया है, शायद 8 में भी होगा शायद, तो 8 मुझे ठीक से नहीं पता है। तो देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप डेस्कटॉप भी है, तो फुली ऑफ जैसे एंड्रॉयड में रहता है वही एंड्रॉयड का फुली ऐसे यहाँ पे भी है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। तो आप यहाँ पे कोई भी गेम यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे तो देखिए मेरा कंप्यूटर में उतना कॉन्फ़िगरेशन नहीं है कि मैं कोई हाई क्वालिटी का गेम यहाँ पे खेलूँ, तो मैं एक गेम आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ कि वह सच में काम करता है। तो चलिए कोई भी एक गेम चूज़ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कैंडी क्रॉस सोडा सागा, तो इसमें ही यही डाउनलोड कर लेते हैं, शायद छोटा गेम होगा, उतना बड़ा नहीं होगा। तो कैसे डाउनलोड करना है वही आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, मेरा जो मतलब स्टोर है बार बार क्रैश हो जा रहा है, शायद कुछ प्रॉब्लम की वजह से, ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम कर रहा है इसलिए वो क्रैश हो रहा है। तो चलिए फिर से ट्राई करते हैं। एक बार मैं ट्राई किया तो फेल हो गया, तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी होता है कि क्रैश हो जाता है, देखिए फिर से क्रैश हो गया। तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है शायद मेरी प्ले स्टोर में या ऑपरेटिंग सिस्टम में, शायद वो ठीक से मतलब इंस्टॉल नहीं हुआ है जब मैं अपने सिस्टम इंस्टॉल कर रहा था, इसलिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है।
तो फिर से एक बार ट्राई करके देखते हैं। स्टोर तो खुल रहा है, लेकिन जब कोई ऐप्स डाउनलोड के वजह से टाइम में वो क्रैश हो जा रहा है। ठीक है, उसका जो ये भी तो एक एप्लीकेशन है, जो स्टोर है ये भी एक एप्लीकेशन है, तो ये क्रैश हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम होगा मेमोरी में। मैं कल के वीडियो में बता चुका हूँ कि मेरा कंप्यूटर का जो एक रैम है वो ख़राब हो चुका है, इसकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि मेरा वो खींच नहीं पा रहा है। एक ही रैम है, 1 GB का रैम है, तो वो कितना लोड लेगा। अब तो विंडो 10 ही 2 GB ले लेता है, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं दोस्तों, नहीं हो रहा है, शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ वाइटल नहीं है, इजीली आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप फिर से एक स्टोर खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो स्टोर खोलने के बाद जो स्टेप यहाँ पे नहीं हो रहा है वो कोई वाइटल स्टेप नहीं है, वहाँ पे सिंपली डाउनलोड का ऑप्शन देगा, आप डाउनलोड में क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी मतलब जो डाउनलोड करना चाहते हैं आप, जिस एप्लीकेशन या जो भी गेम होगा, तो उसको सिंपली क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अभी व्हाट्सएप में क्लिक करके देखते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो दूसरी कुछ ट्राई करके देखते हैं। देखिए, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा, तो आप यहाँ पे जाके इस एरो में जाके जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं सॉल्यूशन बता दूंगा। प्रॉब्लम नहीं होगा, सिंपल स्टेप है, तो फॉलो कीजिए, डाउनलोड हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और पसंद नहीं आएगा फिर भी कमेंट कीजिएगा कि क्या गलती हुआ, तो नहीं मुझे नहीं पता चलेगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिएगा। ठीक है, पैसा नहीं लगता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।